सो हेलो एंड वेलकम बैक क्लैशर्स टू क्लैश विद विक्टर। तो गाइस यहाँ पर अभी हमारे गेम में न्यू पायरेट सीनरी आ चुकी है। अगर आप लोग शॉप में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को पायरेट सीनरी देखने को मिल जाएगी। जो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो पूरी की पूरी सीनरी का व्यू कराने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप लोगों ने मिस कर दी होंगी, तो वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दें ताकि आप लोग को मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने अभी तक के वो सीनरी परचेज नहीं की है और मे भी कोई प्लान भी नहीं है इसका परचेज करने का, बट फिर भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं पायरेट सीनरी पर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर एक स्कल है, बहुत ही मस्त स्कल लग रहा है यहाँ पे। और इसी के जस्ट बगल में अगर आप लोग देखोगे तो ये मतलब कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, ये है एक ऑक्टोपस का हाथ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ तक के गया है। तो इधर से भी हम लोग को इसी टाइप का कुछ देखने को मिल रहा है, बट हो सकता है गाइस कि ये भी ये ऑक्टोपस का ही हाथ हो, क्योंकि ये मतलब कि ये इनर साइड से है और ये आउटर साइड से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कुछ कन्फर्मली कह नहीं सकते। और उसी के साथ साथ गाइस अगर आप लोग इधर जाओगे एक छोटा सा हट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं बहुत जगह पर है ऐसा ही हट। और इसके बगल में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे एक शिप है और ये पूरी की पूरी टूटी हुई है, और यहाँ पे एक गुफा आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो ये पानी पता नहीं कहाँ पर जा रहा है, विलेज के अंदर जा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से वाटर का फ्लो अंदर की तरफ है। अगर आप लोग इसके बगल में देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी स्टार लेबोरेटरी है, आप लोग को याद होगा जो हमारे बिल्डर बेस में होती है, उसका गाइज यहाँ पे जो यहाँ पे टेलीस्कोप टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर इस साइड पे आप लोगों को एक टावर देखने को मिल जाएगा जो कि एक कैनन टावर, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स टाइप के रखे हुए हैं, यहाँ पे पाइनएप्पल है, और यहाँ पे एक कैनन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक कैनन है जो बंद करके रखी हुई है ताकि वो फायरिंग ना करे, बट एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये खुली हुई है, और यहाँ पे कोई बॉक्स टाइप का लटक रहा है, और यहाँ पे गाइस देख सकते हो सुसाइड पॉइंट है यहाँ पे, मतलब पता नहीं क्या है, यहाँ से जंप मारोगे तो मस्त एकदम मज़ा आएगा, बट यहाँ एकदम सुसाइड पॉइंट लग रहा है। और इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर भी आप लोगों को एक गुफा टाइप की या पता नहीं क्या है ये भी गाइस विलेज के ही अंदर जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अंदर एक मशीन टाइप की देखने को मिल जाएगी, कुछ येल्लो कलर का रखा हुआ है यहाँ पे, पेड़ के अंदर है यहाँ पर, पता नहीं क्या है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पिंक कलर की स्टार फिश है ये, मे बी ये जो स्पंज बॉब में एक कैरेक्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख लो, ये वाला कैरेक्टर लग रहा है बिल्कुल वैसा ही है ये। और गाइस इधर एक छोटा सा आइलैंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और उसमें गाइस एक ट्रेजर पड़ा हुआ है, आप लोग को एक बोट देखने को मिल जाएगी, मतलब ये उल्टा करके इसको रखा गया है। और फिर से गाइस यहाँ पर एक गुफा है, और गाइस इधर एक साइड में एक आर्चर टावर टाइप का कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, गाइस देखिए कुछ आर्चर टावर टाइप का है यहाँ पर, यहाँ पर भी आप लोग को एक गुफा देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी गुफा है, और ये भी गैस विलेज के ही अंदर गई है। और उसके बाद गैस यहाँ पर एक टावर है और दो फिशेस यहाँ पर पड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा औसम चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फ्रूट शॉप है जहाँ पर वाटरमेलन और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है, एप्पल वगैरह। और उसी के साथ साथ गैस यहाँ पर भी वही जो हमारा क्लॉक वर्क सीनरी में केला रखा हुआ था, वो यहाँ पर भी गैस हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बट सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ पे आप लोग को एक पिज़्ज़ा मशीन देखने को मिल जाएगी, और उसमें गाइज एक पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, मतलब लिटरली यहाँ पे पिज़्ज़ा।
और गाइज एक चीज़ तो आप लोगों ने डेफिनेटली मिस कर ही दी होगी, मतलब ये पायरेट सीनरी है, बट अगर आप लोग इधर जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर क्लॉक वर्क वार्डन का स्टैचू देखने को मिल जाएगा। यस गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक वर्क जो वार्डन है उसका स्टैचू, यहाँ पर आप लोग को दो दो स्टैचू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, मतलब पायरेट सीनरी में क्लॉक वर्क वार्डन। तो ये यहाँ पर मैंने इस सीनरी का पूरा व्यू आप लोगों को करा दिया, और उसी के साथ साथ जो हिडन चीज़ है वो भी मैंने उसी के साथ साथ यहाँ पे बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोई भी पार्ट कोई भी सीन वीडियो का अच्छा लगा हो तो फटाफट से गाइज लाइक कर दो, और अगर आप लोग को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून and keep watching The Clash with the Victor.